इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, रात में भी पुलिस ने गश्त किया है। बहराइच में आपको बता दें, लगातार दो दिन तक हिंसा हुई है। रविवार को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के समय हुई हिंसा कल भी जारी रही। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे जिले में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और जिन लोगों के घर को उपद्रवियों ने फूंक दिया था वो परिवार थाने में पनाह लिए हुए थे। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभी तक 30 दंगाइयों को हिरासत में ले लिया है। उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। रविवार को बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव और फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी और उसके बाद ही जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हालांकि बाद में समझाइश के बाद किसी तरह अंतिम संस्कार के लिए जो परिवार के सदस्य थे उन्हें राजी किया गया है। तस्वीर आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, हिंसा किस तरह से वहां पर की गई। इससे पहले भी यही तस्वीर सामने आई, आगजनी की गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और फिर पुलिस ने भी कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सीधा सीधा यह निर्देश है कि जो भी दंगाई थे उन्हें बख्शा ना जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और वहां पर अभी इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, किसी भी रूप में कोई अफवाह यहां पर ना फैलने पाए जिससे और ज्यादा माहौल खराब हो सके। ये जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये कल की तस्वीर बताई जा रही है जब पुलिस की तरफ से लगातार गश्त किया गया, इस बात को सुनिश्चित किया गया कि दो दिन लगातार जो हिंसा हुई, पहले दिन जब विसर्जन के लिए वहां पर पथराव हुआ और उसके बाद एक युवक की मौत हो गई और अगले दिन जब परिवार के सदस्य जबरदस्त तरीके से यहां पर आक्रोशित दिखाई दिया, हालांकि पुलिस ने बाद में किसी तरह उन्हें समझाया और अंतिम संस्कार के लिए राजी कराया। और आज बहराइच के पीड़ित परिवार से मिलेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में महसी विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ पीड़ित परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। कल पीड़ित परिवार को विधायक और स्थानीय प्रशासन के समझाने के बाद हिंसा में मारे गए युवक रामगोपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया था और आज मुलाकात करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो भी दंगाई इसमें शामिल रहा होगा, जिसने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की होगी, उसे यहां पर बख्शा नहीं जाएगा। और इसी का नतीजा है कि कई सारे लोगों को चिन्हित किया गया, उसके बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। अब और भी लोगों की तलाश की जा रही है। एक एक व्यक्ति जो इस हिंसा में शामिल रहा होगा उस तक पहुंचने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि सीधा सीधा यह निर्देश है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो खुद आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। इधर बहराइच में हिंसा पर सियासत भी बहुत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया है, वहीं बीजेपी भी अब पूरी तरह से हमलावर दिखाई दे रही है। बीजेपी जानबूझ करके घटना होने देती है। बहराइच की घटना बहुत दुखद है और प्रशासन अगर चाहता तो यह घटना ये रूप नहीं लेती, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेशन निकलता है और खासकर रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है उसके लिए हर स्तर पे अधिकारी बैठक करते हैं। आप ये सोचिए क्यों हो रहा है। अभी बोल रहे थे कि किसी भी मुस्लिम जुलूस या हिंदू जुलूस ना, आज तक का इतिहास निकाल के दे दीजिए, मुहर्रम के जुलूस पे कभी पथराव नहीं होता है, मुहर्रम के जुलूस में कभी अशांति नहीं फैलाई जाती है। आप रामनवमी के जुलूस में, आप दुर्गा माता के विसर्जन के रूप में, हर चीज में आप पथराव करेंगे, क्यों करेंगे भाई? और ऐसे लोगों का समर्थन क्यों करना है? और कल हुई हिंसा में कई लोगों के घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया था, वो बेघर हो गए हैं। बहराइच के मैसी इलाके में आने वाले कबाड़ी टोला गांव में तो जबरदस्त तबाही हुई है। वहां कई घर ऐसे हैं जहां पर आग लगा दी गई और इसके बाद पुलिस जैसे तैसे उन घरों में रहने वाले लोगों को बचाकर थाने लेकर आ गई। कबाड़ी टोला गांव में आगजनी के बाद बेघर हुए लोग रोते बिलखते हुए थाने पहुंचे। महिलाएं और बच्चे तो इतने ज्यादा डरे हुए थे कि लगातार वो रो रहे थे। इसी से जुड़ी हुई अलग अलग तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हिंसा के बाद लोग बेघर हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर देखिए कैसे लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया, यानी कि अब उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं बची है। ऐसे में बताया ये गया कि पुलिस जैसे तैसे करके उन परिवार के सदस्यों को बाहर लेकर आई, थाने लेकर पहुंची, यानी कि उन्होंने पनाह थाने में ली है। और उसके बाद आप देखेंगे कैसे दूसरी तरफ तनाव का माहौल अभी भी देखने को मिला। हालांकि पूरी तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है, थाने में ही रहने को अब लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। बहराइच हिंसा के बाद बीजेपी भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, तो कांग्रेस की सुप्रिया सुनेत ने सवाल पूछा है कि कौन नफरत की आग फैला रहा है। देश और छत्तीसगढ़ कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है, ये जंगल राज नहीं तो और क्या है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नफरत की आग को भड़का कौन रहा है और क्यों भड़का रहा है। सवाल यह भी है कि सांप्रदायिकता की बलिवेदी जो हमारे बच्चे चढ़ रहे हैं, जो कुर्बान हो रहे हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़ा एक्शन लिया है और सरकार पूरी जांच करा रही है। जो भी इसके पीछे दोषी हैं, जो इस घटना के पीछे हैं, वो उन सबके खिलाफ सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। बहराइच में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, ड्रोन से निगरानी वहां पर की जा रही है। एसपी वृंदा शुक्ला ने मोर्चा संभाला हुआ है, उन्होंने रात में भी वहां का दौरा किया। यही नहीं, लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी कल बहराइच पहुंच गए थे। आपको बताते चले, बहराइच पहुंचते ही अमिताभ यश भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश में जुट गए और इस दौरान उनके हाथ में पिस्तौल भी थी। उनकी ये तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब पुलिस की तरफ से जरूरी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी रूप में ये जो माहौल है वो यहाँ पर ना बिगड़ने पाए। बहराइच में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन एक तस्वीर यहाँ पर वायरल होती हुई नजर आ रही है। तस्वीर एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की तस्वीर है, जो कल बहराइच पहुंचे। बहराइच में जाकर जैसे ही वो पहुंचे, तभी उन्होंने भीड़ को तितर बितर करना शुरू कर दिया था और उसी के बाद एक हाथ में पिस्तौल उनके लिए हुए तस्वीर जो है वो वायरल होती हुई नजर आ रही है। उधर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने ऐसी घटना पर विपक्ष से राजनीति ना करने की बात कह दी है। वहीं कांग्रेस के इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश के दावे को फेल बता दिया है। अपोजिशन का स्टेटमेंट मैं कहूंगा कि हार से बौखलाया हुआ विपक्ष है, इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ बोलना है। ऐसी घटनाओं पर तो मुझे लगता है कि राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें अपने गिरिबान में जाकर देखना चाहिए कि 2017 से पहले हमारी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी। तब उनको लगेगा कि योगी जी की सरकार 2017 से जब से चली है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रहती है। और इस घटना में भी दोषी व्यक्तियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। वहाँ एक धार्मिक झंडे को गिराया गया, फाड़ा गया, घर में घुस करके महिलाओं से अभद्रता हुई, गोली चली, एक व्यक्ति की मौत हुई और इतने हंगामे के बाद भी वहाँ कोई बड़ी प्रशासनिक मशीनरी के ना पहुँचने के कारण दुकानें जला दी, हॉस्पिटल जला दिए, शोरूम जला दिए, गांव तक हिंसा पहुँच गई है। तो ये किसका फेल्यूर है? कहाँ हैं वो दावे कि दंगा मुक्त प्रदेश होगा?